अब जब ये तय हो ही गया है कि यूपी में बीजेपी आ रही है, यूपी में कमल खिल ही गया है, तो इससे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी काफी गदगद हैं। विरोधियों की उम्मीदों पर फिरे पानी पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, बीजेपी की जीत के दावे किए हैं। बीजेपी की सत्ता में वापसी पर, बीजेपी के पक्ष में जताए गए जनता के भरोसे पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। लिखा है, नई हवा है, सपा साफ है, बेवजह अखिलेश खफा है। अपने एक और ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है। अपने एक और ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, सपा गठबंधन के तथा कथित दिग्गज नेताओं को भी जनता ठुकरा रही है। भाजपा को बदनाम करने के लिए सपा के अखिलेश यादव जी ने झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन के रूप में काम किया था। केशव प्रसाद मौर्य के इन ट्वीट से उस समाजवादी पार्टी को जवाब मिल गया होगा जिसने पार्टी के द्वारा उपेक्षित होने का मानो केशव प्रसाद मौर्य पर टैग ही लगा दिया था। बीजेपी पर केशव प्रसाद मौर्य से दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब सन्नाटा पड़ा है। विपक्षियों के मुंह में मानो बीजेपी के परफॉर्मेंस देखने के बाद दही सी जम गई हो। विरोधियों को उनकी उम्मीद से बिल्कुल उलट परिणाम हासिल हुए हैं, जिससे विपक्षी परेशान हैं। और उन्हीं पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए जबरदस्त तंज कस दिया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से अच्छा परफॉर्म करते नहीं दिख रहे, वो अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल से पिछड़ते दिख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि अपनी सीट पर पल्लवी पटेल को हरा पाएंगे केशव प्रसाद मौर्य? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज
आइए आइए।